सत्य के सामने खड़े हो। जरूर सत्य में बहुत ज्यादा कष्ट है, सत्य के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, हो सके तो कुर्बानी भी देना पड़ता है। सिख समाजर बरगढ़ गुरुद्वारा ने पालन करा गला 554वां गुरु नानक जयंती। गुरु नानक थिले सिख मानकर पहला गुरु, सबुबेले सत्रे रही अन्य सांगे लड़बार, गरीब असहाय लोकमानकर सहयोग सेवा करबार सांगे हिंदू धर्म के सुरक्षा देबार गुरुंकर मेन लक्ष्य थिला। तांकरी महत नीति आदर्श उपरे सिख समाजर लोक शह शह बछर हेलान चली आसुछन। गुरुद्वारा ने सिख समाजर छोट छोट पिला छुआनु नेइकरी शह शह लोक बाग आइथिले। इ अवसर ने गुरुद्वारा ने कीर्तन भजन कराजिबार सांगे एमएलए देवेशाचार्य विकास रो डी मुरली कृष्णा सांगे निर्भीक निस्वार्थ भावे टिकिनिकी न्यूज प्रसारण करी आसुथबार ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस के सम्मानित करा जाइथिला। सबु बछर भलिया सेस के गुरुद्वारा ने लंगर रो व्यवस्था करा जाइथिला, जेने की हजार हजार लोग पेट पुरतुन प्रसाद खाई पारिथिले। सबसे पहले मैं धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अते सारे ही गुरु दसों गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बुलाई हुई फतेह, जो कि जो जन कोई भी सिख या कोई भी मनुष्य किसी से मिलता है तो पहले फतेह प्रवान करता है, फतेह बोलता है। सो फतेह की सांझ दो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज का यह जो पुरब है धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह पहली पातशाह जी, जो सिखों के पहले गुरु पहली पातशाही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का 554वां अवतार पुरब है, गुरपुरब है, जिसको जन्म दिहाड़ा के नाम से भी बोला जा सकता है। सो गुरु नानक देव जी जो उनकी माता तृप्ता जी अते मेहता कालू जी के ग्रह विखे उन्होंने जन्म लिया, सो गुरु नानक देव जी का पहले से ही फलसफा था, सोच थी कि गरीबों का भला करना, सत्य पे चलना, क्योंकि उस समय में बहुत ही अन्याय हो रहा था लोगों के ऊपर में, खास करके हिंदू धर्म के ऊपर में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, हिंदू धर्म को कुचला जा रहा था, झूठ जो है वो बहुत उभर रहा था, सत्य जो है वो बड़ा ही थम रहा था, बहुत जोर शोर से थम रहा था। तो उस समय से ही गुरु नानक देव जी का सोच था, ये अवतार रूप थे, अकाल पुरख रूप थे, उसी समय से उनका एक मुहिम थी कि जो ये लोग कुचले जा रहे हैं, जहाँ कोई जनजाति छोट जाति जहाँ कोई किसी को भी बड़ा छोटा समझते हैं, ये सबको समानता दी जाए। तो उन्होंने चलते चलते ऐसे ही चार उदासियां की, जो कि तिब्बत कश्मीर पंजाब अफगानिस्तान काफ़ी जिलों से काफ़ी स्टेटों से होते हुए लोगों को प्रेरणा देते देते चलते आए। सो गुरु नानक देव जी की एक ही ख्वाहिश थी कि लोग जो किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं वो ना हो, सबका बराबर का हिस्सा हो, बराबर का रहने का हक हो। प्रबंधक कमेटी क्या सारे ही बरगढ़ निवासी जितने भी जाति के हैं जो संगठन के हैं सभी हमारे साथ मौजूद हैं, सबका सहयोग है, सारों सबका ही एक साथ मिलके जो कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम में सुबह से 10 बजे से लेकर के गुरु महाराज का जो जो कीर्तन है दरबार सजा हुआ है, उसके बीच बीच हमारे एमएलए साहब देवेश आचार्य जी वो भी पहुंचे, हमारे मुरली कृष्णा जी भी पहुंचे, और भी महान हस्तियां पहुंची जिनको सम्मानित भी किया जा रहा है, और भी जिस जिसको जैसे हमारे राज शर्मा जी ये भी उड़ीसा न्यूज के बहुत महान एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, महान है इनका न्यूज, निर्भय निडर होकर के न्यूज देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमको खुशी होती है। कभी किसी के बात को नहीं रखते हुए ये हमेशा अपने सत्य की बात को बोलते हैं, यही प्रेरणा धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने हमको सबको सिखाई है कि हमेशा सत्य के सामने खड़े हो। जरूर सत्य में बहुत ज्यादा कष्ट है, सत्य के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, हो सके तो कुर्बानी भी देना पड़ता है सत्य के लिए, क्योंकि आज पूर्व प्रधान है, झूठ जो है वो प्रधान है, वो सबसे ज्यादा है। हम सत्य में चलते बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं, बहुत ज्यादा दुविधा आती है, लेकिन सत्य हमेशा ही जागता रहता है और हमेशा जागता रहेगा, ये हमारी प्रेरणा है। सभी हिंदू धर्म सभी धर्म के पहुंचे हैं लोग, हम सबको बहुत बहुत फिर जिया कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम सुखवंत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रेसिडेंट, साढ़े सारे ही जो प्रबंधक हैं सब इकट्ठे हैं, एकत्र हैं, एक साथ में हैं, और मैं खास करके साडा उड़ीसा पश्चिम उड़ीसा और
जहां जहां तक भी लोग सुन रहे हो, मैं सबको ही अपनी तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लाख लाख बधाई देता हूं और सबकी शुभ मनोकामना पूर्ण करता हूं। सबको गुरु महाराज सच्चे पातशाह एकत्रता बख्शे, एकता बख्शे, अधे सत्य पे चलने की प्रेरणा दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।